हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी के स्पेशल सेगमेंट में जिसका नाम है द रियल हीरो। वेल, द रियल हीरो इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत किए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। हर्डल्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन इन हर्डल्स को क्रॉस करते करते अपने पैशन और अपने जज्बे को फॉलो करना और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना और एक इंस्पायरिंग स्टोरी बनाना अपने आप में काबिले तारीफ है। एंड हियर इज द मैन जिनको देखकर आप समझ चुके होंगे कि हु इज ही। ही इज नन अदर देन द अल्ट्रा साइक्लिस्ट ऑफ नागपुर हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। ही इज द ओनली मैन इन एशिया जिन्होंने लॉन्गेस्ट रेसेस कंप्लीट की है, जिसे रैम कहा जाता है। एंड ऐसे कई कई ऐसे चीजें इन्होंने कारनामे कर दिखाए बिकॉज ही इज नोन फॉर डूइंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स। डॉक्टर अमित, वेलकम टू आवर शो एंड आई एम सो हैप्पी टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। और आपसे बात करना लाइव इज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज। डॉक्टर अमित, चलते हैं शुरुआत में, चलते हैं आपकी उस जर्नी में चलते हैं जब आपने कहते ना बचपन में जब बच्चा छोटा होता है हम उनसे हमेशा पूछते हैं कि आगे आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहोगे, तो हम उस समय पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप जब बचपन आपका जो बचपन था वो दौर में चलते हैं और सुनते हैं आपसे कि वो बचपन में आपके थॉट्स क्या थे। बचपन में तो एक्चुअली मेरे ऐसे कोई थॉट नहीं था कि मैं बहुत साइकिलिंग करूंगा, आयरन मैन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने वो बस आई वाज एक्सट्रीमली एकेडमिक ओरिएंटेड और बहुत हमेशा 94-95% लाने वाला लड़का था मैं। तो बट इसीलिए मैं मेडिकल स्कूल में गया और फिर वो जब मैं MBBS में गया तब मुझे थोड़ा फिटनेस का एक्चुअली मैं बहुत ओवरवेट भी था उस टाइम पर। ओके। तो फिट थोड़ा फिट बनने के लिए, पतला बनने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने अपना फिटनेस जर्नी शुरू किया और करते 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 फिर मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ज्यादा आई गॉट अंडरस्टैंड ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया correct, है correct. और आई बट आई वाज स्टिल स्टडीइंग, आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो एंड आई वाज वर्किंग अगेन एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैंने लाइफ में स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए फिर मैंने मेरी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जॉब छोड़ी। एक बहुत बड़े फाउंडेशन में मैं बैंगलोर में काम करता था एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। फिर जॉब छोड़ के मैं वापस नागपुर आया और फिर मैंने सीरियसली ट्रेनिंग करना शुरू किया और लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू किया। ऐसे करते करते फिर मैंने रेस अक्रॉस अमेरिका किया 2017 में, जो 5000 किलोमीटर की रेस है और मैं फर्स्ट इंडियन था उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला। और फिर 2018 में फिर रेडबुल ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम की मैंने, जो 9100 किलोमीटर की रेस है रशिया में। टफ वन। हाँ, यस इट वाज टफ वन। और फिर अभी 2021 में हमने राइड अक्रॉस इंडिया किया 6000 किलोमीटर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे 13 डेज में, जो एक वर्ल्ड अल्ट्रा साइक्लिंग रिकॉर्ड है। फिर
दिल्ली से नागपुर मैंने किया है 39 आवर्स में, फिर चेन्नई से नागपुर किया है 44 आवर्स में, और मैंने काफी सारे आयरन मैन्स भी किए हैं. आयरन मैन्स आपको पता है, आयरन मैन में स्विमिंग साइकिलिंग रनिंग तीनों होता है जी. तो ये एक जर्नी है और मैं आई एम हैप्पी कि I was able to do this. I got support from my family, friends. Very true. And that is one needed, right? हाँ, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि MBBS करते करते, क्योंकि हाँ, एक एकदम पढ़ाकू बच्चा जो कि MBBS कर रहा है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया, उसके बाद इतनी मेडिकल, एक जो मेडिकल फील्ड होती है, वो जब इंसान मेडिकल फील्ड में होता है तो अपने आप को एक सराउंडेड कर देता है एकदम. वहां से इस साइकिल की जर्नी जो थी, इट वॉज अ टफ डिसीजन. आई थिंक सो, क्योंकि कोई भी अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर ऐसा कुछ फील चुने, तो अपने आप पे पेरेंट्स को कन्विंस करना वाज अ टफ टास्क. वाज इट फॉर यू एज वेल? नहीं, एक्चुअली या इट वाज अ टफ. एक्चुअली एट द एज ऑफ 35 आई स्टार्टेड परसीविंग स्पोर्ट्स. 35 में तो लोग करते ही नहीं है, उनको लगता है कि ये बहुत रिस्की है, ये सब करना नहीं चाहिए, और कौन अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के इसको करेगा. तो मेरे लिए तो मुझे तो पैशन था, मुझे लगता था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए. मे बी आई थिंक दैट वाज यू नो मेरे अंदर वो कीड़ा था कि वो होना चाहिए कुछ लाइफ में, मैंने वो करना चाहिए. सो सॉरी जोक नहीं, बट क्या आपको MBBS में मजा नहीं आ रहा था? नहीं नहीं, आई वाज डूइंग गुड वर्क. MBBS करके मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से किया, फिर मैं वापस आके आई वाज वर्किंग एज एक फाउंडेशन के लिए, और I was happy with that, but मुझे मैं sports करता था मैं, अरे parallelly मैं seriously जब भी अरे सवेरे शाम मेरा serious training चलता था, office hours के पहले, office hours के बाद, but वो था कि कहीं कुछ, फिर मुझे ऐसा लगा कि there is a opportunity in you know this, क्योंकि मैंने तब तक काफी marathons ये वो दौड़ लिए थे, Ironmans किए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, एक इसमें से एक आप एक स्पोर्ट्स एकेडमी बना सकते हो, लोगों को भी सिखा सकते हो, मोटिवेट भी कर सकते हो, उनको भी सिखाओ, उनको भी ट्रेन करो, और आप भी कर सकते हो. तो ऐसे करके मैंने एक जस्ट चांस लिया, और मेरी वाइफ वॉज वेरी सपोर्टिव, माई मदर दे ऑल सपोर्टेड. उन्होंने ऐसे ही बोला कि अभी करना है तो अभी करके देख लो एक बार, फिर तो तुम बाद में फिर से स्विच कर सकते हो अगर तुमको लगता है कि ये नहीं हो रहा है ठीक. तो ऐसे करके फिर मैंने वो शुरू कर दिया, और नागपुर आके मैंने अपनी माइल्स एंड माइलर्स करके जो स्पोर्ट्स अकेडमी है वो शुरू की, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते 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 अभी तो हमारे यहाँ मोर देन 300 मेंबर्स हैं. yes. नागपुर में है, लॉट ऑफ मेंबर्स ट्रेन ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया विद मी, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. हां, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग, और काफी सारे लोग साइकिलिंग, अल्ट्रा साइकिलिंग, मैराथॉन्स, आयरन मैन्स बने हमारे यहाँ से. और अभी जैसे रिसेंटली अभी जो संजना जोशी और उसकी सिस्टर भी, दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हैं ट्रायथलॉन में, वो एक्चुअली स्विमिंग बैकग्राउंड से आई थी. तो मैंने उनको बोला कि आप ट्रायथलॉन आप ट्राई करो, ये बहुत नया अपकमिंग गेम है, और बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत बढ़ रहा है इसका क्रेज, और अगर आप अभी ट्रेनिंग करोगे तो 2-3 साल में यू कैन बी एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल. तो ऐसे करके वो हुआ वो, और साथ साथ में काफी और दूसरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे मिले, जैसे बाइसिकल मेयर ऑफ नागपुर, एंड सो आई एम इन्वॉल्व एवरीवेयर. एंड और जैसे संजना और स्नेहल जैसे भी एथलीट्स हमारे यहाँ अभी उन्होंने ने ट्रेनिंग करके इतना अचीव किया है. So in a way it's a pretty satisfying journey. इतनी सारी चीजें उनके नाम है, as I said earlier, कि इतने सारी एक 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 perfect job, एक
हर किसी का सपना होता है कि इंसान पढ़ाई करे, खासकर फैमिली, कि हमारा बच्चा पढ़े, एक परफेक्ट जॉब हो, एक परफेक्ट फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन उस जॉब से निकल कर एक रिस्क लेना, जो मैं हमेशा कहती हूँ आपको अपने इंटरव्यू सेशंस के दौरान, कि रिस्क लेना तो बनता है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता नहीं चलेगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते तो एक रिस्क लेना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। मैं तो सभी को यही बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स करना बहुत जरूरी है लाइफ में। जरूरी नहीं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करें आप, जरूरी नहीं कि आपको नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में जाना है, बट स्पोर्ट्स से जो आपका माइंडसेट चेंज होता है, तो मैं सबको बोलता हूँ कि यू नो यू शुड टेक रिस्क इन योर लाइफ, बिकॉज इफ यू डोंट टेक रिस्क इन योर लाइफ यू आर नॉट यू नो आप अपने जो पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ही सिक्योर्ड गेम खेल रहे हैं लाइफ में। वेरी ट्रू। अगर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो मेरा तो लाइव एग्जाम्पल है। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि रिस्क लो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मीन्स you will just fail for some time, but you can failure से भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं भी starting में मेरे बहुत struggles थे, एकदम से मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। Even जब मैंने race across America किया, ये सब किया, मैं first Indian बना, तो ऐसे कोई बहुत मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। हाँ, बट देर वॉज अ बिग रिकॉग्निशन इन द कम्युनिटी, जो साइकिलिंग करते हैं, जो मैराथॉन्स दौड़ते हैं, उन लोगों को पता था कि इस बंदे ने क्या किया, बिकॉज इट इज नॉट सो इजी साइकिलिंग 5000 किलोमीटर अंडर 10 डेज, तो वो भी उस टेरेन में, उस वेदर कंडीशंस में, तो इट इज वेरी रेयर एक्चुअली। जैसे आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट पे अगर देखेंगे तो आप अभी तक 10,000 के ऊपर लोग चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट, पर अगर आप रेस अक्रॉस अमेरिका देखेंगे तो उसको आज तक दुनिया में सिर्फ 350 लोगों ने किया है। वेरी ट्रू मैडम, आई विल कम टू इट। रेस अक्रॉस अमेरिका रैम, इट वॉज द टफेस्ट वन, इट वॉज द बिगेस्ट वन, और आपके लिए तो सबसे बड़ी मेमोरी रही है जिंदगी की। इसके लिए एक प्रिपरेशन, बिकॉज इट वॉज द टफेस्ट वन, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज, और इसे कम्प्लीट करने वाले पहले एशियन, तो ये जो था इसकी जर्नी, प्लीज हमें एक बार फिर से रिफ्रेश करना चाहेंगे। हाउ वॉज इट, कैसे स्टार्ट हुई और उसमें किस तरह की तैयारियां थी? रेस अक्रॉस अमेरिका या जो रेस अक्रॉस अमेरिका पहले रेस अक्रॉस अमेरिका बहुत टफ था, क्योंकि हम पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे, बहुत बड़ी अल्ट्रा साइक्लिंग रेस, टफेस्ट रेस, और मैं भी नया था उस टाइम पे, मुझे भी पता नहीं था ये होता कैसे है, और और हमने उसके लिए फिर हम एक साल पहले हमने जाके रेस देखी, हमने मैंने दूसरे राइडर को उसके टीम में, मैं उसके सपोर्ट टीम में मैं था, तो वो मैंने पूरा सीखा, देखा वो लोग कैसे करते हैं, कितना सक्सेस, वो कैसे उनका टीम उनको हेल्प करता है, कैसे वो खाना खिलाते हैं, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, फिर वो कैसे नेविगेशन करते हैं, तो ये सारा मैंने वहाँ देखा, पूरा सीख के आया, और फिर मैं और मेरा एक और फ्रेंड गए थे, और फिर हम वहाँ वो देख के आने के बाद में फिर हमने ट्रेनिंग शुरू की, यहाँ के लोगों को फिर ट्रेन किया, उनको सिखाया, जो मेरी टीम थी, फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग की, तो इट वाज नॉट इजी, मुझे अपनी टीम भी बनानी है, उनको भी ट्रेन करना है, मुझे अपनी खुद की फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी है, क्योंकि चलाने वाला तो मैं अकेला हूँ, और बाकी टीम को सिखाना है, टीम मेंबर्स को सिखाना है कि ये आपको आपका रोल क्या है, तो और फिर उसके साथ बहुत सारे फाइनेंसेस भी हमको रेस करने पड़े, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग उसमें ये था कि नागपुर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने फाइनेंशियली, हमने ऑलमोस्ट 40-50 लाख रुपए रेस किए, क्योंकि वो इतना इतना सारे एक्सपेंसेस थे उसके, तो करके वो, सो इट वाज अ सक्सेस स्टोरी फॉर नागपुर, और नागपुर के वो हिस्ट्री में वो रहेगा हमेशा। और फिर उसके बाद में फिर हमने रेडबुल ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम रेस की 9100 किलोमीटर्स की, और फिर दैट वाज वेरी लॉन्ग एंड वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि एक तो वो टेरेन भी अलग था, रशिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेदर कंडीशंस भी पूरे अलग, रास्ते अलग, और वहां का जो स्काई भी अलग दिखता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, and very harsh weather conditions वहाँ पर,
तो वो तो सबसे टफ था, और उसके बाद में फिर we did this ride across India, फिर Ironman तो मैं करते ही रहता था, और फिर ride across India किया हमने जो golden quadrilateral पे है, किया 6000 kilometers in 13 days, जो एक world ultra cycling record है, फिर उसके बाद में हमने दिल्ली से ये सब किया, तो it's a धीरे धीरे जैसे जैसे मैं करते गया तो मेरे टीम भी बनती गई और ज्यादा लोग जुड़ते गए, मेरे टीम मेंबर्स भी बढ़ते गए, और क्योंकि हमेशा वही लोग अवेलेबल नहीं रह सकते हैं, तो और ज्यादा लोग जुड़ते गए मेरे से, उनको भी सीख, उनको भी बहुत सारे लोग इसलिए भी जुड़े क्योंकि उनको भी एक एडवेंचर चाहिए था, तो उनको भी इंटरेस्ट था कि अरे ये सब अमित करता है, तो एक्चुअली क्रूइंग भी एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, मेरे को किसी को आपको आप हेल्प कर रहे हो, और तो यू आर पार्ट ऑफ द टीम, और 24 घंटे आपको प्रेशर में काम करना होता है, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट 24 घंटे ही चला रहा हूँ, तो वो प्रेशर में काम करना, प्लानिंग करना, नेविगेशन करना, मेरा न्यूट्रिशन देखना, मेरा इक्विपमेंट को पूरा मेंटेन करना, हर चीज मेंटेन करना, मेरे कपड़े ठीक रखना, सो ये बहुत काम होते हैं, और ये बहुत उस टाइप के भी लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, तो इसमें अलग अलग 14 से 15 मेंबर्स होते हैं उन सारों को तैयार करना, एंड सबसे खास कि हम अभी नागपुर में जो कहीं ना कहीं नागपुर की गर्मी से इतने परेशान हैं, सोचिए जो अमित सर जो चलाते होंगे उन्हें तो इतने सारे अलग अलग कंडीशंस, इतने इतने वेदर कंडीशंस देखे, हम तो थोड़ी सी गर्मी में आई थिंक परेशान होंगे, आपने जब वो एक्सपीरियंस किया एंड वो जो कंडीशंस थे क्या याद है आपको? हाँ ऑफकोर्स, जैसे रेस अक्रॉस अमेरिका में तो बहुत गर्मी थी, क्योंकि मैं एरिजोना डेजर्ट में से मेरे को चलाना था, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का डेजर्ट है बीच में 5000 किलोमीटर में, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच 900 किलोमीटर, तो ये वहां पर तो बहुत गर्मी होती है, और अलग टाइप की गर्मी होती है, नागपुर में अलग होती है गर्मी, यहाँ की ड्राई हीट होती है, वहां की गर्मी अलग होती है, और वहाँ रॉक्स भी बहुत होते हैं, तो रॉक से भी आपके बॉडी के ऊपर हीट रिफ्लेक्ट होती है, तो उससे भी आपको डिहाइड्रेशन वगैरह होता है, तो वो भी अलग है। फिर अभी मैं जैसे रिसेंटली चेन्नई से नागपुर आया था मार्च में, अभी जस्ट 2 महीने पहले की बात है, तो उसमें भी मार्च में 15 मार्च को हमने किया था, तो तब तो बहुत गर्मी बढ़ गई थी, तो इट वॉज 45 डिग्रीज में हम आए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वैसी गर्मी तो मैंने भी कभी वो एरिजोना में भी नहीं देखी, वो जो 2 दिन जो गर्मी थी, वो जो हम आदिलाबाद और ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ना, तो इट्स वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई रीजन ऑफ दिस कंट्री, तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं फर्नेस में से जा रहा हूँ, तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, तो इस तरह कैसे सर कहीं ना कहीं कभी हम कुछ काम करते हैं तो एट मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंड वी थिंक ऑफ अ टाइम कि हम ड्रॉप कर दें, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? यू वर साइकिलिंग एक थॉट कि क्या हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी थॉट आया आपके पास? ऐसे तो बहुत बार आया, मैंने रेस अक्रॉस अमेरिका में भी आया, मैं बीमार पड़ गया था, मेरे को फीवर भी आया था, और फिर बाद में जैसे जैसे वो रेस आगे आगे जाती है तो जब आप सोते कम हो तो यू आर स्लीप डिप्राइव, फिर आपका माइंड भी कोऑर्डिनेटेड नहीं रहता है, आपका जो आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, आपको रास्ते पे ऐसी चीजें दिखती है जो वहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करती है, तो ऐसे सारी चीजें होती है, बिकॉज योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग वेरी डिफरेंटली, बिकॉज इट इज स्लीप डिप्राइव्ड, इट हैज नो स्लीप, इट हैज नो यू नो, और वो काफी दिनों तक स्लीप डिप्रिवेशन होता है, पहले 2-4 दिन ठीक लगता है, बट जब
सेवेंथ डे, एट्थ डे, नाइन्थ डे, टेंथ डे सब आता है, इलेवेंथ डे, तो वो बहुत बिल्डअप होता है. अगर आप देखेंगे कमांडो जो ट्रेनिंग होता है उसमें उनको पांच दिन तक स्लीपलेस रहना पड़ता है. जो कमांडो का फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें 5 days तक उनको स्लीपलेस रहना पड़ता है. ये इसमें तो हम 12 दिन 13 दिन स्लीपलेस रहते हैं. तो कितने दिन के बाद वो ब्रेक रहता है सर? वो ब्रेक भी तो लेना होता होगा ना. हाँ? क्या प्रोसीजर रहता है? कोई ब्रेक कुछ नहीं रहता है रेस अक्रॉस अमेरिका में. देयर इज नो ब्रेक, नो ब्रेक, बिकॉज़ द क्लॉक इज ऑलवेज वर्किंग. ओके, वंस द क्लॉक स्टार्ट्स ओके यू हैव टू डू इट विद इन 12 डेज. सो देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्लीप, देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम टू चेंज क्लोथ्स, देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम टू ईट फूड. Okay. So whatever you are doing, the clock is running, okay, it's ticking. Okay, okay. So there is no extra time. That is why it is very difficult. Right. Because you have to complete within the, that 12 days, exactly 288 hours. Okay. You exactly get 12 into 24 hours. Right. आपको उसमें ही करना है. There is no extra time. Right. इसीलिए वो इतना मुश्किल है क्योंकि right. आपको फिर 5000 किलोमीटर अगर चलाना है 12 दिन में तो आपको इजीली रोज 450 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है. रोज 450 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है तो आपको 20 से 21 किलोमीटर घंटे साइकिल पे रहना है 22 घंटे तक. और फिर उसमें डेजर्ट है, पहाड़ है, रोलिंग हिल्स है, शार्प हिल्स है, स्टीप हिल्स है. ऐसा भी नहीं है ना कि फ्लैट रोड है. हर टाइप का रोड दिमाग में लाना ये कि कुछ नहीं है, बस हम चलते हैं. What kept you inspiring sir for that time? Inspiring, I think it was a inspiring or बोल सकते हैं pressure. Passion. Because so many people had supported yes. in that project. वो भी पूरा करना है. तो वो सबके expectations होते हैं और वो तो of course आप थक जाते हो बाद में. फिर एक्चुअली 5-6 दिन बाद आप दूसरों के लिए चलाते हो. yes, that's true. जिन्होंने आपको हेल्प किया Very है, सपोर्ट किया Very है true. तो आप उनके लिए करते हो. सिर्फ खुद नहीं कि आपके साथ इतने सारे लोग थे के लिए स्टार्ट होते हो बट बाद में फिर बाद में जब आदमी वो 5 दिन तब समझ में आता है कि अभी मुझे दूसरों के लिए भी चलाना है क्योंकि ये लोग सब मेरे लिए जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, वो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन yes. है उनको पूरा करना उनको पूरा तो, करना है. पर तब आपको समझ में आता है कि आपके आपका ह्यूमन बॉडी कितना टफ है Very और इसमें कितना पोटेंशियल है कि ये इतने कंडीशंस में भी चला के उतना फिजिकल हार्डवर्क कर सकती है. राइट सर, इतना सब कुछ करने के बाद व्हेन यू केम अप टू दैट माइल्स एंड माइल्स, आपने जब ये शुरू किया एंड टू टीच द स्टूडेंट्स आउट देयर, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब यहां स्पोर्ट्स के लिए उतना अट्रैक्शन लोगों में नहीं था. कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते थे जो स्पोर्ट्स में आना चाहते, बट नाउ इट हैज अ बीन टू अट्रैक्शन बिटवीन द यूथ, क्योंकि हर कोई आना चाहता है, हर कोई कुछ, बिकॉज वहां पर ऑप्शंस नहीं थे. वहां पर सिर्फ हम कुछ चीजें सिलेक्ट, जैसे आपने MBBS किया वैसे MBBS हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, CSCA हो गया. अब लोग बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड स्पोर्ट्स इज वन ऑफ देम. तो जब ये आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया किस तरह का रिस्पॉन्स मिला एंड हाउ वर द स्टार्टिंग में? तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे लोग बढ़ते गए. पहले मेरे 3-4 जो दोस्त थे उन लोगों ने शुरू किया और फिर धीरे 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 लोग बढ़ते गए. लोगों को अच्छा ट्रेनिंग मिला, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो और नाम होते गया और हमारे यहाँ बहुत रेगुलरिटी रहती है, पंक्चुअलिटी रहती है. सबको पता है कि अमित हमेशा 5:30 बजे रहेगा वहां पर ट्रेनिंग के लिए. और तो इट इज एक जर्नी है वो, और पिछले 5-6 साल से बढ़ते 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 अभी तक हम यहाँ पहुंच गए. राइट राइट. कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट बनाने के बाद स्टूडेंट्स जब आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि हम भी आपकी तरह उस तरह से रिप्रेजेंट करें अपने देश को, अपने शहर को. तो ये स्टूडेंट्स भी आपके बहुत आगे आए, जिस तरह से अभी रिसेंटली संजना जोशी जो है वो कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करेंगे. किस तरह की फीलिंग होती है कि हम अपने, क्योंकि आपने अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट किया, यू हैव सो मेनी मेडल्स, यू हैव सो मेनी ट्रॉफीज एंड एक प्राउड फीलिंग होती है, पर जब अपना खुद का बच्चा हमारा नाम रिप्रेजेंट करता है. हाँ, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग एज अ
कोच एज अ मेंटर जो मैंने वो एक्चुअली दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं संजना को भी स्नेहल जो उसकी बड़ी सिस्टर है उसको भी गोल्ड मेडल है नेशनल्स में और वो भी प्रोबेबल है आगे जाके इंटरनेशनल रेसेस में जाने के लिए संजना शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत अच्छी है तो उसका कॉमनवेल्थ में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रायथलॉन है इसलिए इसलिए उसका वहां पे सिलेक्शन हुआ है तो एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड अच्छा फीलिंग है बहुत है कि जो मैंने इन लड़कियों को बोला था आज से 3 साल पहले कि अगर आप इसमें आते हो तो आपको इसमें काफी चांस है अगर क्योंकि अभी ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा यानी अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं हो रहा है पर अभी आगे जाके होगा और वो अभी सच में हो रहा है आप अभी देखिए कितने लोग आयरन मैन करते हैं जब हमने आयरन मैन शुरू करना किया था तब हार्डली 10 लोग आयरन मैन करते होंगे इंडिया में अभी तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डूइंग आयरन मैन मैराथन के जैसा हो जाएगा कुछ दिनों बाद तो इट इज अ बिग अचीवमेंट एंड वेरी सैटिस्फाइंग कि जो मैंने उनको बोला था और मैंने उनको जो रास्ता दिखाया और गुड थिंग इज कि वो चलते रहे वो दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग गर्ल्स दे आर एक्सट्रीमली पंक्चुअल एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एक्सट्रीमली अलग ही है वो दोनों लड़कियां ही अलग है और वो उनको मैं हम लॉकडाउन में भी ट्रेनिंग करते थे सवेरे चार बजे आके वो ट्रेनिंग करती थी लड़कियां धाकड़ हैं तो वो सवेरे 4 बजे आके ट्रेनिंग करती थी और दे नेवर गिव अप लॉकडाउन में भी उनका चलते रहा ट्रेनिंग तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट व्हाट हैपेंड विद देम एंड और आई थिंक अभी तो शुरुआत है उनकी और वो बहुत आगे जा सकती है और बहुत अगर और मेहनत करे तो आई थिंक ओलंपिक्स में भी उनका सिलेक्शन हो सकता है वी आर हैप्पी सर क्योंकि एक टाइम था कि कहीं ना कहीं इतने इंटरनेशनल लेवल्स पर मेड बी कॉमनवेल्थ मेड बी अनदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं पार्टिसिपेशंस होते हैं वहाँ इंडिया को उतना जो एक्सपेक्टेशंस होते थे लोगों को वो नहीं मिल पाता नाउ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं वहाँ से विच इज़ अ हैप्पी मोमेंट हर किसी के लिए कि नहीं अब हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स हैं हर एक स्पॉट में एंड इट्स अ गुड और जैसे कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में भी शायद हम बहुत अच्छा एक नाम लेकर एक अच्छी पोजीशन लेकर सामने आएंगे सर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में एक अगर कोई आगे लेवल तक जाना चाहता है अपने देश को अपने शहर को रिप्रेजेंट करना चाहता है स्पोर्ट में और स्पेशली अगर हम एथलीट्स की बात करें तो क्या चीज़ों की जरूरत है उसमें फोकस करना बहुत जरूरी है अगर हमारे दर्शक उनमें से कुछ हैं फोकस तो एक मेन तो ये कि आपको बहुत पेशेंस होना जरूरी है स्पोर्ट्स में एकदम से नहीं हो जाता है कुछ स्पोर्ट्स में काफी सालों लगते हैं आपको आप प्रॉपर एक फील्ड आइडेंटिफाई करिए जो भी स्पोर्ट आपको खेलना है फिर उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर उस टाइप के क्लब्स ज्वाइन करिए जहाँ पे उस टाइप की ट्रेनिंग होती है उस टाइप का सीरियसनेस है और फिर उसके बाद में आप आगे फिर उसमें ट्रेनिंग करिए राइट कोचेस और मेंटर्स को आइडेंटिफाई करिए और उन फिर आप ट्रेनिंग करते रहिए और इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स इट इज नॉट सो इजी इट इज इट टेक्स इयर्स और बहुत सारे लोगों को लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के करना पड़ता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं मुझे ही देखिए मैंने MBBS भी किया पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया वर्ल्ड की तो ऐसा कुछ नहीं है और जस्ट गो विथ एट योर स्पीड जरूरी नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा जस्ट गो एट योर स्पीड आइडेंटिफाई आपको क्या करना है और बस वो रास्ते पे चलते रहो वो धीरे 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 आप एक अचीवमेंट थोड़ा लेट होगा कुछ होगा बट आपको आते रहेंगे अचीवमेंट तो मैं तो वही बोलता हूँ सबको कि ठीक है आप सबको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं पर आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मैराथन दौड़ने लग गए हैं साइकिलिंग करने लग गए हैं वो उनको एक फिटनेस का एक उनको ये मिल गया है पहले लोगों को क्या लगता था फिटनेस करना है तो जिम में जाके वजन उठाओ है ना जिम में जाके वजन उठाओ खूब वजन उठाओ लोगों को ये लगता था नाउ पीपल हैव रियलाइज कि अरे वो बॉडी बनाना बाइसेप बनाना इज नॉट फिटनेस
अभी नाउ पीपल हैव अंडरस्टैंड कि मैराथन्स भी दौड़ सकते हैं, हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं, हम ट्रायथलॉन भी कर सकते हैं, और ये एंड्योरेंस स्पोर्ट इतना जबरदस्त स्पोर्ट है कि इसमें आप सालों तक ट्रेनिंग करके इम्प्रूवमेंट भी लाते जा सकते हो. तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्पोर्ट. और ये आपके बॉडी को तो ऑफकोर्स फिट बनाएगा ही, बट आपके माइंड को भी बहुत फिट बनाएगा और आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगा. तो द पीपल डोंट रियलाइज, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये आप क्यों करते हो, ये आप इससे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि 99% लोग ये जो मैराथन्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये खुद के फिजिकल और मेंटल एडवांटेज के लिए कर रहे हैं. उनको वो प्राइज मनी या उससे कोई लेना देना नहीं. दैट इज सेकंड प्रायोरिटी. हां यस. सो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. नाउ दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली पहले तो आज से 10 साल बाद लोग वही बोलते थे अरे मैराथन्स क्यों दौड़ रहे हैं लोग, इसमें क्या मिल रहा है. एक तो आप उसमें रजिस्टर भी करो, पैसे भी दो, फिर खुद ही मेहनत भी करो, फिर आपको एक मेडल मिलेगा आखिरी में, हो गया, एक टी शर्ट मिलेगी ज्यादा, और एक आपको रिफ्रेशमेंट दे देंगे, घर जाओ. बट अभी देखिए आप हजारों लोग कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं, वो अपने फिटनेस के लिए कर रहे हैं, उनके अपने फिटनेस, उनके अपने जो गोल्स हैं उसके लिए कर रहे हैं. जब तक जीतने की जिद नहीं होगी तब तक कैसे मजा आएगा. वो अपने लिए कर रहे हैं. Actually, वो उससे यानी उनको दुनिया को है, वो अलग है, दुनिया को बाद में दिखा रहे हैं. तो पीपल एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी प्राइज और एनी मनी. दे आर कमिंग एंड paying money and doing it. Very true. That's a true thing. अब तो लोग सुबह सुबह साइकिल से भी दिखने लगे हैं. अब तो लोग साइकिल लेकर भी दौड़ने लगे हैं. There is a time. अब तो लोग साइकिलिंग भी बहुत बड़ा है नागपुर में, बहुत ज्यादा बड़ा है. Of course, ये कोविड और कोरोना के टाइम में तो साइकिलिस्ट की जो संख्या है वो आई थिंक 10 गुना बढ़ी है नागपुर में. और बहुत साइकिलें बिकी है और बहुत लोगों ने साइकिलिंग शुरू की. ऑफ कोर्स अभी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि अभी स्कूल्स कॉलेजेस सबके शुरू हो गए हैं, तो लोगों को ऑफिसेस शुरू हो गए हैं. जब लॉकडाउन था लोग घर से काम कर रहे थे तो ज्यादा साइकिलिंग वाइकलिंग कर रहे हैं. पर अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीने में जब से अभी सब नॉर्मलाइज हुआ है तो अभी लोगों का थोड़ा कम हुआ है. बट ऑफकोर्स आई थिंक दे विल पिक इट अप. अभी गर्मी भी बहुत चल रही है, जैसे ही मौसम अच्छा होगा. सर, साइकिलिंग जो है हमारे जो लोग हैं वो यूजुअली वेट लॉस के लिए करते हैं कि वी वांट टू लूज वेट तो हमें साइकिल चलानी है. बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि साइकिल कितनी चलानी है तो वेट लॉस होगा. साइकिलिंग आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको मिनिमम 1 घंटे के ऊपर चलानी पड़ेगी रेगुलरली, क्योंकि तभी आपका फैट लॉस होना शुरू होगा, फैट बर्न होना शुरू होगा. जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो 45 मिनट बाद आपका जो फैट बर्न होना शुरू होता है. अगर आप 5-10 मिनट साइकिलिंग करते हो, 20 मिनट साइकिलिंग करते हो, तो उससे आपका कोई फैट लॉस नहीं होगा, कोई वेट लॉस नहीं होगा. अगर आपको फैट लॉस वेट लॉस करना है तो आप साइकिल 1 घंटे के ऊपर चलाओ. धीरे धीरे ही चलाओ, चलेगा, बट 1 घंटे के ऊपर चलाओ और लंबा लंबा जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, उससे आपको ज्यादा बहुत जल्दी फायदा होगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे. सर, एक डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक एथलीट के लिए. व्हाट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल? बिग रोल डाइट, आपका प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट, आप कितना सोते हो, विटामिन, फिर विटामिन डी लेवल्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और हर जो हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम वो चेक करते रहते हैं. और फिर अपने फूड में वैसा वो चीजें रखते हैं ताकि वो सब उनको मिलते रहे. ओके, ये तो अमित सर की पूरी जर्नी थी अबाउट बीइंग एथलीट, अबाउट बीइंग अल्ट्रा साइक्लिस्ट. लेकिन कुछ फन पार्ट भी होना जरूरी है. रियल हीरो जिंदगी में कुछ अच्छा फन पार्ट भी कर लेते हैं, सिर्फ सीरियस नहीं रहते. अमित सर, साइकिलिंग के अलावा अगर हम आपसे पूछें कुछ क्विक क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स, तो चीट मील्स में आप क्या खाना पसंद करते हैं? चीट मील्स में मैं तो ऐसा कुछ नहीं. मैं हमारा फेवरेट नागपुरी फूड कोई ऐसा है कि जो आपको पसंद है? समोसा. ओ वाओ, समोसा खाते हैं सर आप? हाँ मैं खाता हूँ. हम तो इतना ट्रेनिंग करते हैं, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? यू आर अ कॉफी पर्सन और अ टी पर्सन? चाय पसंद है? टी पर्सन. अरे एकदम असल नागपुरी है. गर्मी में भी चाय पीते हैं सर? अरे बिल्कुल, गर्मी में ही चाय पीते हैं सर. योर फेवरेट डेस्टिनेशन अगर पिकनिक की बात करें, अगर कोई ऐसा कोई कंट्री जो आप अपने
प्लेजर लीजर टाइम के लिए जाना चाहेंगे फैमिली के साथ, योर फेवरेट स्पॉट? आई थिंक वेयर आई हैव ऑलरेडी गॉन, मैं बोल सकता हूं आई थिंक श्रीलंका इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. इट इज, बट फिलहाल थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं. या अभी फिलहाल तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं. सो अगर घर की बात करें, डू यू कुक? हाँ, मैं अपन इतना रेगुलरली नहीं का मैं पकाता हूँ, पर जब मैं अकेला रहता था. सर ऐसा मत बोलिएगा कि मैं सिर्फ चाय और मैगी बनाता हूँ. नहीं, जब मैं अकेला रहता था यूएस में रहता था तो मैं फुल खाना बनाता था. ओके, फुल आई कैन कुक फुल फूड. अभी कैसा है कि घर में रहता हूँ तो मम्मी बनाती है, फिर मेरी वाइफ बनाती है, तो वो मेरे को इतना ऐसे मींस आई एम नॉट रेगुलर एट इट नाउ. राइट सर, फ्री टाइम में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं? रीडिंग, वाचिंग टीवी, मूवीज? फ्री डे तो मैं बहुत मुश्किल होता है. सब मूवीज देखते हैं? मूवीज मैं कभी कभी अच्छी देख लेता हूँ, यानी कुछ जो मूवी का अच्छा रिव्यू आया है. ओरिजिनल मूवीज भी बहुत देखता हूँ मैं, तमिल और मलयाली मूवीज भी बहुत अच्छी अच्छी आती है आजकल. हाँ. ये अमेज़न प्राइम पे तो उस पे देख लेता हूँ. आजकल वेब सीरीज का जमाना है. वेब सीरीज नहीं देखता मैं, नहीं, बिकॉज़ आई कांट टॉलरेट, क्योंकि वो इतने घंटों देखते जाओ एपिसोड पे एपिसोड. वो मैंने एक बार देखा और मुझे समझ में आ गया कि बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है ये. और मैं मूवीज देखता हूँ एक दो घंटे की चलेगी क्योंकि वो खत्म हो जाती है, उसका एक एंड होता है. ये वेब सीरीज का तो कोई एंड ही नहीं होता. सर फेवरेट सिंगर आपके, जिसका गाना सुनना आप पसंद करते हैं? Favorite, I think Udit Narayan is a very आपका favorite कोई song? दो line गाते हैं हम सर के साथ. Favorite song तो ऐसे बहुत है, पर कोई आपको हमेशा गुनगुनाने का मन करे? I think जो जीता वो सिकंदर का. अरे वाह, क्या perfect choice है. मतलब cycling के साथ साथ गाना गाए. यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर, चाय रख ले अपनी जेब के अंदर. सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. लेकिन लास्टली आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक जिनमें से कुछ युवा हैं और कुछ जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट विल बी योर मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि लोग, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को सिर्फ कंपटीशन के तरीके से मत देखिए. स्पोर्ट्स जैसे जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है, मैराथन है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ट्रायथलॉन है, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है. और स्पोर्ट्स को, कोई भी स्पोर्ट्स चुनिए आप लाइफ में, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, पर वो स्पोर्ट को आप लाइफ लॉन्ग खेलते रहिए. सो दैट स्पोर्ट विल ऑलवेज गिव यू, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस, एक्टिविटी. It will give you friends, different friends. Yes. It will give you a different social circle. Mm-hmm. It will make you adventurous. आप risk taker. आपको हारना भी सिखाएगा sport. आपको जीतना भी सिखाएगा. आपको मेहनत भी करना सिखाएगा. तो ये सब जो चीजें जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो आपको रियल लाइफ में स्पोर्ट से सीख सकते हैं. तो आप स्पोर्ट को लाइफ लॉन्ग रखिए. कोई भी स्पोर्ट हो सकता है, जरूरी नहीं रनिंग साइकिलिंग हो, इट कैन बी एनीथिंग, बट पर उसको आप लाइफ लॉन्ग खेलिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित आपके इस प्रेशियस टाइम के लिए. एंड आई विश यू कि आपकी ये साइकिलिंग की जर्नी बस यूं ही चलती रहे और आप अपने नाम ऐसे ही बड़े बड़े जो है अवार्ड्स लाते रहें. सो दिस वाज ऑल अबाउट आर सेक्शन एंड आर एपिसोड विद डॉक्टर अमित समद, हु इज एन अल्ट्रा साइक्लिस्ट, हु इज अ नेम जिनका नाम लेते ही हमें बहुत प्राउड फील होता है एज अ नागपुरियन. एंड आई नो आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने जज्बे को, आपके अपने डिटर्मिनेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है. एज आई always say कि failures जो है वो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन failures से अगर गिर जाएंगे तो आगे आपके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी वो तो आप ही की है. आपके आपको अपने अपने सपने की जिम्मेदारी लेनी होगी. रिस्क उठाइए, खुश रहिए, बिंदास रहिए. मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाजत. नमस्कार.